जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी छवि को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या हो जब किसी और के कारण ही मंत्रियों की छवि धूमिल होने लगे। हम बात कर रहे हैं शिवपुरी जिले के बारे में। शिवपुरी जिले में इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग चर्चा का विषय बने हैं और कारण है उनके ही करीबी जो उनके नाम पर लोगों से गलत ढंग से पैसों की वसूली करते आ रहे हैं। ये कहना हमारा नहीं बल्कि वहां रह रहे पीड़ित शोषित लोगों का है जिन्हें उस व्यक्ति ने मंत्री जी के नाम से ठगा है। साथ ही सोशल मीडिया पर मंत्री के नाम का पत्र तेजी से भी वायरल हो रहा है जो मंत्री जी के करीबी से प्रताड़ित एक शख्स ने लिखा हुआ है। हालांकि फास्ट समाचार के पास केवल एक ही ऐसा मामला नहीं है, कई मामले हैं जिनका दिन ब दिन अब खुलासा होता रहेगा। हैरत की बात तो यह है कि जिस पर यह सारे आरोप लगे हैं वे कोई और नहीं बल्कि जनता का ही जनप्रतिनिधि है जिनका नाम है सतीश श्रीवास्तव, जिनके बारे में सूत्र बताते हैं कि वे एक समय पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लेन देन का काम भी करते थे। फास्ट समाचार फिलहाल इस पत्र की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है, पर यह हमारी जिम्मेदारी जरूर है कि हम जनता को सच दिखाएं और जनता को जागरूक करें। आपको बता दें कि वायरल पत्र अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और शिवपुरी जिले में एक ऐसा दलाल सक्रिय बैठा हुआ है जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के बेरोजगारी दूर करने के वादों पर सवालिया निशान खड़े करता है। साथ ही जब नाम चिकित्सा शिक्षा मंत्री का जुड़ जाता है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। न केवल वादों पर बल्कि विपक्ष के 50% कमीशन के दावों की भी पुष्टि करता है। हालांकि देखने वाली बात तो अब ये होगी कि मंत्री जी कितनी सहभागिता इसमें रखते हैं या फिर इस दलाल के द्वारा उनके नाम का केवल और केवल फायदा ही उठाया जा रहा है। न जाने कब मंत्री जी इस मामले पर उजागर होंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे। कितने लोग अभी तक उनकी ठगी का शिकार बन चुके हैं ये अनुमान से भी परे है। मेरा नाम हेमंत ओझा है। हेमंत जी, एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा एक व्यक्ति को निजी स्वार्थ के लिए ट्रांसफर के नाम पर किसी मंत्री के साथ आवेदन है। सर, क्या मामला है पूरा? अरे वो एक सतीश श्रीवास्तव जी हैं, हमारे मित्र हैं, इंदिरा कॉलोनी में रहती हैं। तो मेरी बहन पूरी से ट्रांसफर करवाना था तो हमारे साथ उठते बैठते रहती थी वो। तो मैंने उनको, उनने मेरी परेशानी सुन ली तो उनने कहा कि मैं करवा दूंगा, कहा आप करवा दो तो और अच्छा है। फिर कहने लगे मुझे 50,000 रुपये दो। तो मैं तुरंत 2 दिन में विश्वास सारंग साहब जी से, मेरी अच्छे संबंध है और बड़े भाई साहब हैं, ये बोला था कि सारंग साहब मेरे बड़े भाई साहब हैं, मैं 2 दिन और 6 दिन के अंदर आपको ऑर्डर ला के दे दूँगा। इनका आप धोखा मत कर देना कि नहीं नहीं हुआ तो मैं पैसा वापस कर दूँगा। लेकिन वो जबरदस्ती, कितने टाइम पहले आपने पैसा दिया था? 2.5 साल पहले। 2.5 साल मतलब वो 2 दिन के 2.5 साल में भी नहीं आ पाया? नहीं, और ले भी गए थे वो सारंग साहब के पास। आपने विश्वास कैसे किया था उनके ऊपर, ले गए थे वो? उनने तमाम सारे फोटो दिखाई थी, एक्टिविटी दिखाई सारंग साहब की, और फिर आपको ले भी गए थे? जी हाँ, ले भी गए थे बंगले पे और सारंग साहब से मिलवाया भी था। मैंने कहा मैं अपनी बात रखूं, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम कुछ नहीं बोलना, तुम तो बस सीधा मिल लो और उसके बाद मैं कर लूंगा भाई साहब से। मैंने बोल दिया है और उनने कर भी दिया। फिर कुछ दिन बाद कहा था कर भी दिया है और समन्वय समिति में भेज दिया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ। फिर आपने बात नहीं करी उनसे दोबारा इसके बाद, पैसे की वापसी की या किसी चीज़? हर बार नहीं, वो तो लोकल के हैं तो मिलते रहते, बार बार जाता रहता। फिर कुछ दिन बाद कहने लगे मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। फिर कहने लगे कि वो मेडिकल कॉलेज में मैंने कैंटीन ले ली है तो उसमें से पैसे दे दूंगा मैं। और फिर एक बार एक हमारे बुजुर्ग हैं उनके सामने भी बोलने लगी थी निगम सर के सामने कि हाँ मैंने इनसे पैसा लिया था और मैं वापस कर दूंगा भाई साहब। लेकिन अब तो फोन ही बंद हो गया, उनका फोन नहीं उठाते। कम से कम 300 चक्कर तो घर के लगा दिए, कोई फर्क नहीं? नहीं कोई फर्क नहीं ना सर में। इसके लिए आपने कभी कोई आवेदन दिया पुलिस में? पुलिस में देने वाला था लेकिन मैंने कहा कि अभी पुलिस में दूंगा वो मीडिया में जाएगा, सारंग साहब की छवि खराब होगी। और बड़े सज्जन नेता है वो अपने प्रदेश के था, और इतने बड़े आदमी पे इस तरह के धब्बे लगे ये अच्छी बात नहीं है। और फिर विरोधी तो हाल तमाशा खड़ा करती है साहब। तो मैंने वो
तमाम समाज आपके समाज भाइयों से कहा था, इनके समाज भाइयों से, उनने भी इससे कहा, निवेदन किया भैया ऐसा मत करो आप इनके पैसे। उनने कहा भी तो उसने कहा मैं दे दूंगा, आज तक नहीं दिए साहब, अब रिपोर्ट करने की करूंगा साहब, मैं रिपोर्ट भी करूंगा और न्याय के लिए जो भी होगा वो करूंगा। लेकिन सारंग साहब का नाम बीच में है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी साहब।